इनोसेंसी, वो प्यारी सी लगती है पूरी डॉल सी, जिनके हस्बैंड है वेल नोन क्रिकेटर तो वो है टिकटॉक स्टार, जिनकी जोड़ी टिकटॉक पर हो रही है लगातार वायरल, द क्यूट कपल नीतू बिष्ट एंड लखन अर्जुन रावत। आज हम इस वीडियो में इनकी इंटरेस्टिंग लाइफ स्टोरी के थ्रू इनकी प्यारी सी स्टोरी जानेंगे, तो ये वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग। इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। 16 दिसंबर 1997 को उत्तराखंड के एक मिडिल क्लास फैमिली में एक डॉल सी बच्ची का जन्म हुआ, जिसका नाम नीतू रखा गया। नीतू का जन्म उत्तराखंड में हुआ है, लेकिन शी इज अ बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। इनकी फैमिली में एक भाई, एक बड़ी बहन, और नीतू अपनी बड़ी बहन और मम्मी के बहुत ज़्यादा क्लोज है, और अपनी बड़ी बहन को तो ये बेस्ट फ्रेंड मानती है। इन्होंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली से की है। इन्होंने बहुत अर्ली एज में मॉडलिंग करना स्टार्ट कर दिया था। जी हाँ, नीतू एक टिकटॉक स्टार तो है ही है, साथ ही साथ एक सक्सेसफुल मॉडल भी हैं। ये कई फोटोशूट और मॉडलिंग शोज करती हैं। इनकी कई फोटोज़ पॉपुलर मैगजीन्स में निकला करती हैं, और ये एक सक्सेसफुल मॉडल के साथ साथ एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी हैं। इन्होंने डीडी नेशनल के एक सीरियल में काम भी किया है, और इंडिया के नंबर वन यूट्यूबर अमित बराना की वीडियो में एज अ मेन लीड रोल भी काम किया है, और इन्होंने साथ ही साथ दो एल्बम सॉन्ग छोरी और प्यारी मंगिया में भी काम कर चुकी हैं। नीतू और लखन की लव स्टोरी जानने से पहले हम लखन की भी लाइफ स्टोरी जान लेते हैं, जिससे इनकी लव स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। 29 सितंबर 1997 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के एक हाई क्लास फैमिली में एक लड़के का जन्म हुआ, जिसका नाम लखन रखा गया। इनके पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और न्यूज़ वन इंडिया के न्यूज़ चैनल के ऑनर हैं। इनके पापा एक सेल्फ मेड मैन है। लखन की फैमिली में इनके पेरेंट्स के अलावा दो भाई और एक बहन है। इनके घर में एक पेट है ऑस्कर, जिन्हें इनकी फैमिली और ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अर्जुन महज 10 से 11 साल में ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे क्रिकेटर ही बनना है। इन्होंने अपनी स्कूलिंग निर्मला कॉन्वेंट स्कूल बुलंदशहर से किया है। इनके स्कूलिंग के बाद इनके पापा अपने बिजनेस के लिए पूरी फैमिली के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गए। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। ही इज अ ऑसम क्रिकेटर। 19 सितंबर 2018 को मणिपुर के लिए विजय हजारे ट्रॉफी खेला था, और 1 नवंबर 2018 को अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू मणिपुर के लिए रणजी ट्रॉफी खेला था, और ये लगातार हार्ड वर्क कर रहे हैं इंडिया टीम में आने के लिए। और साथ ही साथ कॉन्सलेट ग्लोमैक्स के ओनर एंड फाउंडर हैं, जो एक प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड करती है। तो चलिए नीतू और लखन के रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। लखन ने नीतू को उनके मॉडलिंग शो में देखा था, तभी लखन को नीतू बहुत अच्छी लगी। इसके बाद ये बहुत अच्छे फ्रेंड बने, और अभी हाल में ही इन लोगों ने शादी की है। इनकी जोड़ी बिल्कुल टॉम एंड जेरी जैसी है, जिसमें खट्टी मीठी तकरार तो है ही, लेकिन प्यार भी बहुत है। नीतू ने अपनी टिकटॉक जर्नी 12 मार्च 2018 को स्टार्ट की थी, लेकिन ये जब वीडियोस लखन के साथ बनाने लगी तो इनकी वीडियोस लगातार वायरल होने लगी। जोड़ी को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे। अगर आज इनके टिकटॉक पर फॉलोवर्स की बात की जाए, तो वहीं नीतू के टिकटॉक पर 5.2 मिलियन फॉलोवर्स हैं और लखन के 2.4 मिलियन फॉलोवर्स हैं। लखन जहां अपने टिकटॉक अकाउंट पे कपल वीडियोस तो डाला करते हैं, वहीं अपने क्रिकेट के टिप्स और ट्रिक्स भी बताते हैं। जहां नीतू का सपना बॉलीवुड एक्ट्रेस बनने का, वहीं लखन का सपना है इंडिया क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होने का। तो चलिए, आप दोनों के सपने बहुत जल्दी पूरे हों, इसी विश के साथ इस वीडियो को मैं यही करना चाहूँगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक। अगर आप हमें कोई सजेशन या कोई वीडियो डिमांड करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हमारी वीडियोज़ पहुँचे सबसे पहले आपके पास, उसके लिए बेल आइकॉन पर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।